क्या मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है? जब जब हो जब जनसंख्या असंतुलन का जिक्र होता है, जब अश्विनी उपाध्याय जैसे लोग बहते हैं कि वो लोग जो जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, क्या इसी बहाने, मतलब कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना है? क्या मुस्लिमों का डिमोनाइजेशन, उनका मतलब उनको गलत लाइट में दिखाने की कोशिश हो रही है? धन्यवाद अंजना जी, आपके माध्यम से आपके सब दर्शकों को विजयादशमी की शुभकामनाएं। असत्य पर सत्य की जीत का ये त्यौहार है, और आज जो बात मोहन भागवत जी ने अपने भाषण में कही है, उनमें से दो बातों की आप चर्चा कर रहे हैं। पहली बात है जनसंख्या की नीति, जनसंख्या नीति पॉपुलेशन पॉलिसी, और दूसरा जिस विषय पर चर्चा हो रही है वो है उदयपुर और अमरावती में जो घटना हुई उसकी। हम ना इन दोनों को बहुत कंटेक्चुअल बना दे रहे हैं। लगातार जब से देश आजाद हुआ है तब से लेकर आज तक संघ के अलग अलग सरसंघ चालक, संघ की अलग अलग जो बैठकें होती हैं, मीटिंग्स होती हैं, जो अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल जो संघ की सेकंड हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, उन सब में जनसंख्या को लेकर के चिंता व्यक्त की जाती रही है। देखिए साधन जो है वो लिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, और इन सब बातों में कहीं पर भी किसी के धर्म की चर्चा नहीं की है, परंतु हमें जो जितना उसमें से जाकी रही भावना जैसी जैसा देखना है वैसा उसमें से हम देख रहे हैं। दूसरा, उन्होंने जो उदयपुर की घटना का और अमरावती की घटना का चर्चा की है उसके संदर्भ में उन्होंने कहा है कि इस बार कुछ मुस्लिम समाज के लोगों ने भी इसकी भर्त्सना की है, इसकी निंदा की है, ये स्वागत योग्य कदम है, ये आगे भी होते रहना चाहिए, इस प्रकार की घटनाओं को आगे भी घटनाएं ना हो, यदि हो तो उनका क्रिटिसिज्म समाज के सब लोग करें। वारिस पठान साहब ने भी किया था, वो भी उस समय में उस सेन वॉइसिस में वो भी शामिल थे, परंतु हम इसमें से कुल मिलाकर के इसको धार्मिक रूप क्यों देना चाह रहे हैं ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। देखिए उन्होंने कहा जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या का नियंत्रण और नियोजन ये दोनों आवश्यक हैं, नियंत्रण भी आवश्यक है, नियोजन भी आवश्यक है। आज जो इतनी तेजी से अर्बनाइजेशन हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है, गांव के गांव खाली हो रहे हैं, लोग नौकरियों के लिए शहर में आ रहे हैं, तो जनसंख्या का नियोजन भी करना पड़ेगा। और जनसंख्या जो इतनी तेजी से बढ़ रही है, हम चीन से लगभग 1/5 या 1/6 है लैंड मास में, और हमारी जनसंख्या उनको शायद अगले 2 साल में उनसे आगे चली जाएगी, हम विश्व के सबसे ज्यादा पॉपुलर, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश हो जाएंगे। अच्छी भूमिका तो बना दी, लेकिन आप खिलाएंगे पिलाएंगे कहाँ से, इनको बसाएंगे कहाँ, इनको रहने का स्थान कहाँ देंगे, वही सब कह रहे हैं जो हम लोग बोल चुके हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि असंतुलन जनसंख्या में हुआ, वही मुद्दा वही है, जब संघ प्रमुख कहते हैं तो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर तो आपने जवाब ही नहीं दिया। नहीं, आप मैं संघ का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, परंतु जो मैंने भी पूरा भाषण सुना है और जितना भाषण मैंने सुना है और उसमें से जो मैंने निष्कर्ष निकाला है वो निष्कर्ष यही है कि जहां पर ये समस्या अधिक है वहां इसका इम्प्लीमेंटेशन, और जब ये पॉलिसी बनेगी तो ये सब दूर सब समान एक जैसी बनेगी ना, इसमें ये थोड़ी ना रहेगा कि भाई इस धर्म के लोग इंक्लूडेड है और इस धर्म के लोग एक्सक्लूडेड है, इसमें ये कहीं भी नहीं बनेगा। आज तक देश में कौन सी पॉलिसी ऐसी बनी है जो किसी एक धर्म विशेष पर लागू की हुई है? यही मुद्दा है। पॉलिसी बताइए, कोई एक ऐसा, कोई एक ऐसा संविधान का, कोई एक ऐसा आर्टिकल बताइए, कुछ एक दो आर्टिकल छोड़ करके जो माइनॉरिटीज के पक्ष में ये डॉग। सुनिए सुनिए राजीव जी, सुनिए राजीव जी, हो गए आपने, क्योंकि जब समान जनसंख्या नीति की बात हो रही है आप उसको अपोज कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि पॉपुलेशन, देखिए सर 421 हो गया इधर लास्ट 3 डिजिट्स हर सेकंड। हाँ देखिए अभी देखिए राजीव तुली जी ने काफी सारी बातें कह दी, आपके सवाल का जवाब नहीं दिया कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना कौन है, तो मैं बताता हूँ कहीं पे निगाहें निशाना सिर्फ मुसलमान लोगों। स्पष्ट जवाब दिया है वारिस पठान जी, आपने सुना नहीं, आप सिलेक्टिव हियरिंग कर रहे हो, तो आपने हमने सबने खंडन किया। नहीं सुनिए तुलीप जी, सुनिए सुनिए, मजा नहीं आएगा, सुनिए, हमने सबने खंडन किया। आज नागपुर में जब सर संचालक उन्होंने वही कहा कि आपने खंडन किया, अच्छा किया, हिंदू बहन महिला वहां पर बैठी हुई थी,
सुनिए ना, अरे सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने आ रहा हूं। वहां पे हमारे देश की एक वरिष्ठ हिंदू महिला, हमारी बहन बैठी हुई थी, तब क्या सर संचालक ने ये क्यों नहीं कहने को समझा कि गुजरात में बिल्किस बानू के जो बलात्कारी थे उनको कब वापस जेल में डाला जाएगा। अंजना जी, आपको पूरा देश सलाम कर रहा है, आपको पूरा देश ने मान लिया कि आपने इतनी अच्छी रीत से सारे स्टूडेंट को खड़ा किया स्टूडियो के अंदर और सबने एक अल्फाज में कहा कि हाँ, बिल्किस बानू के कातिलों को फिर से जेल में डालना चाहिए। आपको इसका वारिश पठान भी सलाम करता है इस बात के लिए अंजना जी आपको। मगर क्या संचालक को यह नहीं लगा कि आज एक महिला बैठी हुई है, महिला का सम्मान होना चाहिए हमारे देश में। वही बिल्किस बानू के कातिल जो खुली फिजाओं में घूम रहे, उनकी जगह सलाखों के पीछे उनको जेल में डालना चाहिए। क्यों नहीं कहा सर संचालक ने? क्यों सर संचालक ने, जो भाजपा की प्रवक्ता ने हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गलत टिप्पणी की थी, उसके बारे में क्यों उन्होंने कुछ कंडेमनेशन नहीं किया? हमने तो कंडेम किया ना, सर तन से जुदा के नारे का कंडेम किया, अमरावती का कंडेम किया, उदयपुर का कंडेम किया, हमने तो जो गुजरात के अंदर वायलेंस बहुत हुआ। अगली बार से संघ की तरफ से आप ही स्क्रिप्ट लिखिएगा इनको, अंजना जी सवाल करिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी लिखी हुई स्क्रिप्ट पढ़ी जाए तो आपको उसके लिए संघ ज्वाइन करना पड़ेगा।